नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर करीब 75% हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, एक ही दिन में रिकॉर्ड 10 लाख से अधिक कोविड नमूनों की हुई जांच। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने को कहा, जरूरत पड़ने पर दूरस्थ क्षेत्रों से हेलीकॉप्टर से भेजे जा सकते हैं सैंपल। कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के मानक किए गए तय। बारिश और आपदा से किसानों की फसल को हुए नुकसान का राज्य भर में कराया जा रहा है आकलन। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, लगातार 3 साल अच्छे बीज मुहैया कराने वाले किसानों को मिलेगा लॉयल्टी बोनस। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए उत्तराखंड के 2 शिक्षकों का चयन। बागेश्वर के गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर केवलानंद कांटवार और कालसी एकलव्य मॉडल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल सुधा पेन्यूली को मिलेगा सम्मान। अब खबरें विस्तार से। भारत ने एक ही दिन में 10 लाख कोविड नमूनों की जांच का रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि 24 घंटे में 10,23,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई है। 21 अगस्त तक 3,44,91,073 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगभग 75% तक हो गई है। We have already done 1 million tests yesterday. You know, we have the best recovery rate in the world today. It has reached almost 75%. Every day our fatality rate is getting better, in the sense that it is lower than the previous day. Today morning data showed it as 1.87%. It's, I think, a remarkable performance on the part of India. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में 3 अलग अलग कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही हमारे पास सफल वैक्सीन होगी। We have discovered an effective, successfully implementable, useful vaccine. We shall certainly ensure that India procures those vaccines and we start giving them to our most vulnerable people to begin with. वहीं अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के मुताबिक लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही या राज्य के भीतर आने जाने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसके लिए अलग से अनुमति लेने या ई परमिट लेने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह सचिव ने देश के सभी मुख्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर इस तरह के प्रतिबंधों से लोगों या वस्तुओं के अंतर्राज्यीय आवाजाही से में मुश्किलें आ रही हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को इस तरह के प्रतिबंध हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में कोविड 19 की टेस्टिंग और अधिक बढ़ाने को कहा है। दूरस्थ क्षेत्रों से टेस्टिंग लैब में सैंपल भेजने में देरी होने पर हेलीकॉप्टर से भी सैंपल भेजे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि टेस्टिंग में देरी ना हो। ये टेस्टिंग हमको 10,000 तक ले जानी है, 10,000 तक टेस्टिंग प्रतिदिन हो जाए। जो 60 साल से अधिक के लोग हैं या जिनको कुछ अन्य तरह की कोई तकलीफ है, तो उन पर विशेष फोकस किया जाए। आज मुख्यमंत्री ने कोरोना योद्धाओं के लिए बनाए गए चिकित्सा सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस मोबाइल ऐप को डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, सुरक्षाकर्मी, पुलिस और कोरोना ड्यूटी में लगे अधिकारियों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर होम आइसोलेशन पर बनाए गए ऐप आरोग्य रक्षक के बारे में भी प्रेजेंटेशन दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। सीएम सोलर स्वरोजगार योजना जल्द शुरू की जाएगी। 10,000 लोगों को इस योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। इस दौरान मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में विशेष सतर्कता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नैनीताल के जिलाधिकारी ने जीआईएस मैपिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर तैयार किया है।
उन्होंने एनआईसी को इस सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाने और राज्य के चारों मैदानी जनपदों में इसका इस्तेमाल करने को कहा है। इस मौके पर सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने कहा कि हाई रिस्क क्षेत्र से आने वाले लोगों के साथ अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों की शत प्रतिशत सैंपलिंग की जाएगी। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के मानक तय किए हैं। ऐसे निजी अस्पतालों का नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। साथ ही अस्पतालों को वास्तविक न्यूनतम लागत पर इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए अलग वार्ड होना चाहिए। आने जाने के रास्ते और गेट भी अलग होने चाहिए। 24 घंटे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। ये भी जरूरी होगा कि विशेषज्ञ डॉक्टर फोन करने पर तुरंत अस्पताल आ सके। आईसीयू 24 घंटे, फार्मेसी सुविधा, आइसोलेशन वार्ड में हर बेड के साथ ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं भी जरूरी हैं। इसके साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के मुताबिक कोविड-19 से जुड़े कचरे का निस्तारण करना जरूरी होगा। अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग, पीपीई किट, N95 मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर जैसे जरूरी सामान पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। कोविड-19 मरीजों के लिए अलग एम्बुलेंस की सुविधा भी जरूरी है। संक्रमित शवों का रखरखाव और अंतिम संस्कार सावधानी से करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि बारिश और आपदा में किसानों की फसल के नुकसान का राज्यभर से डाटा मंगाया जा रहा है। इसके आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। शुक्रवार को कृषि मंत्री ने सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में क्रॉप कटिंग डाटा को आउटसोर्स किया जा रहा है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर पर वेदर स्टेशन लगाकर आंकड़े जुटाए जाएंगे। साथ ही फसल कटाई के आंकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति का निर्धारण होता है। फसल को नुकसान होने के बावजूद आपदा के तय मानकों की श्रेणी में न आने पर किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता। आपदा से फसल क्षति 33% या इससे अधिक होने पर ही मुआवजा देने का प्रावधान है। पर्वतीय क्षेत्रों में हम वेदर सब स्टेशन स्थापित कर रहे हैं और मैदानी क्षेत्रों में क्रॉप कटिंग डाटा को हम आउटसोर्स कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में जो बेसिक यूनिट है फसल बीमा योजना की, उसको घटा करके हम ग्राम पंचायत पे ला रहे हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में तहसील से हम उसको न्याय पंचायत ला रहे हैं। इसीलिए इस प्रदेश की पर्वतीय जनपदों की हर न्याय पंचायत में हम वेदर सब स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। बैठक में किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज मुहैया कराने पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने कहा कि सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को अच्छे बीज मुहैया कराने वाले किसानों को लॉयल्टी बोनस और अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा, लेकिन जो लोग मानकों के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा। लगातार बीज टीडीसी को देने वाले किसानों को इस पर बोनस देने का भी आज हम लोगों ने निर्णय लिया। साथ ही साथ 50,000 कुंटल गेहूं का बीज किसको अनुमान पर उपलब्ध हो इसके लिए रणनीति बनाई गई, और जो बीज जो भी किसान जो मैंने आपसे कहा कि जो निगम को बीज देगा उसको लगातार 3 वर्षों पर जो देगा तो एक लॉयल्टी बोनस के नाम से उसको देने का निर्णय लिया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रही टीडीसी मौजूदा वित्त वर्ष में फायदे में पहुंच गई है। उत्तराखंड के 2 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के गवर्नमेंट हाई स्कूल पुटकुनी के प्रिंसिपल डॉक्टर केवलानंद कांटपाल और कालसी के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल सुधा पेन्योली पुरस्कार हासिल करने वालों में शामिल हैं। देशभर से कुल 47 शिक्षकों का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। डॉक्टर केवलानंद कांटपाल को ये पुरस्कार बालिका शिक्षा में विशेष योगदान के लिए दिया जा रहा है। उनके क्षेत्र में शादी जैसे सामाजिक दबावों के चलते लड़कियां स्कूल छोड़ रही थी। डॉक्टर कांडपाल ने गांव के लोगों को लड़कियों की पढ़ाई के लिए जागरूक किया। गांव की ऐसी 2 छात्राएं जिन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा वे डॉक्टर कांडपाल के प्रयासों से वापस स्कूल लौट सकी। ग्रामीणों को विशेषकर जो माताएं हैं और किशोरियों के आपस में लगातार सम्मेलन कराए, काउंसलिंग कराई, और विधिक जो अधिवक्ता हमारे कोई मित्र थे उनको ले जाकर उनकी काउंसलिंग कराई और लगातार जागरूकता अभियान चलाया,
तो उसे दो बच्चियां जो हैं वो मेन स्ट्रीम हो गई। आज वो बच्चियां 10 पास करके, एक बच्ची 11वीं में अध्ययनरत है और दूसरी बच्ची 12वीं में। आपको बता दें, डॉक्टर कांडपाल को वर्ष 2012 में शैलेश मठियानी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस उपलब्धि पर दोनों शिक्षकों को बधाई दी है। रामनगर के स्वतंत्रता सेनानी मोती सिंह नेगी का शुक्रवार शाम निधन हो गया। आज सुबह 10 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने शोक जताया है। स्वतंत्रता सेनानी 99 वर्षीय मोती सिंह नेगी मूल रूप से अल्मोड़ा के कनोली गांव के रहने वाले थे। रामनगर के निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री मोती सिंह नेगी जी का कल सायं निधन हो गया। उनकी आज पूरी राजकीय सम्मान के साथ यहां पे अंत्येष्टि की गई। स्वर्गीय मोती सिंह नेगी के बेटे ने देश के लिए पिता के योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद भी वे सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, तब ये लोग आपस में समन्वय करने लगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहें, भारत का बंटवारा में जो कष्ट हुए थे उनको एक साथ लाओ। इसके अभियान में ये लोग, इनको मिला था पोस्टिंग इलाहाबाद का और झांसी का, वहाँ ये गए। उसके बाद में घर पर भी काम किया, लेकिन हमेशा समाज सेवा की तरफ इनका ध्यान अग्रसर रहता था। मोती सिंह नेगी को वर्ष 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के मूल मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही थी, इससे हजारों उपनल कर्मियों को लाभ होगा। हाँ, वो लंबे समय से काम कर रहे हैं उपनल में, उपनल के माध्यम से, और उसमें कई जगह डिफरेंसेज भी थे। अब वो कैसे इस तरह के डिफरेंस किए गए आपस में, वो थोड़ा एक चिंता का विषय था। तो हमको ये लगा कि भाई उनका वेतन बढ़ना चाहिए, तो उसमें 20% का इजाफा किया गया है। मुझे लगता है कि उससे हमारे लगभग जो 20,000 के आसपास जो हमारे उपनल कर्मी हैं उनको और उनके परिवार को। बारिश के दौरान डेंगू मच्छरों से बचाव के लिए केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। क्या कुछ सावधानियां इस दौरान बरतनी चाहिए, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मॉनसून के आगमन के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाकर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अपने आसपास पानी का जमाव ना होने दें। पानी इकट्ठा करने की सभी चीजों को अच्छी तरह से ढक कर रखें ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। मच्छरों के काटने से बचाव के लिए पूरी बांह के कपड़े पहने, मच्छर भगाने के तरीके अपनाएं, मच्छरदानी के अंदर सोएं। यदि बुखार है और कोविड-19 की जांच नेगेटिव है तो मलेरिया और डेंगू के लिए अपने खून की जांच करवाएं। डॉक्टर की सलाह माने और इलाज पूरा करें। मॉनसून के दौरान मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के संदर्भ में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। सुनिश्चित करें कि कीटनाशक दवा और निदान संबंधी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। लोगों को टिकाऊ कीटरोधी मच्छरदानी वितरित करें। मच्छरों के पनपने पर निगरानी रखें और जहां पर भी जरूरत हो वहां उचित समय पर मच्छरों के नियंत्रण के उपाय लागू करें। कोविड-19 के दौरान मच्छर जनित बीमारियों के प्रबंधन पर राज्यों को खास दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी मच्छर जनित बीमारियों की पहचान, जांच और इलाज हो। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। केंद्र की एडवाइजरी, राज्य मॉनसून के लिए तैयार रहें। मलेरिया और कालाजार से बचाव के लिए घरों, इमारतों और आसपास की जगहों पर समय समय पर मच्छर नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव करें। सुनिश्चित करें कि डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए IgM जांच किट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो, आपूर्ति की निगरानी हो। टिकाऊ कीटरोधी मच्छरदानी, मलेरिया रोधी दवा की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित हो।
नियमित रिपोर्ट, वर्चुअल मीटिंग और समीक्षा के माध्यम से बीमारी पर निगरानी रखी जाए। सावधानी और समय समय पर सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन कर मच्छर जनित बीमारियों से बचा जा सकता है। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारी यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।